जी घूमने घूमने चलेंगे। कैसे चलने हैं? ओ मम्मा घर लेके जाते हैं। वो चाची साथ चले। चाची अच्छे लग रहे हैं। किसको अच्छे लग रहे हैं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा। और आज हम जा रहे हैं शिमला। सो अभी हम हैं चंडीगढ़ रूट पे, जो आप देख सकते हैं। सोलन वैली जो हमें रास्ते में मिला था। सो आप देख सकते हैं कितने प्यारे घर दिख रहे हैं। ये सारे जो है हिल्स पे बने हुए हैं और बहुत ही कलरफुल हैं ये सारे घर। हम आ गए हैं शिमला। सो ये है शिमला, आप देख सकते हैं घर कितने हिल्स पे बने हुए हैं। काफ़ी हाइट पे घर बने हुए हैं और सारे 3-4 मंजिल इस तरह से बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं सारे घर। और ये है होटल और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा होटल है। ये भी बहुत हिल पे है, आपको वीडियो में उतना नहीं समझ आ रहा होगा बट काफ़ी हाइट पे है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है ये। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। इसमें पार्क भी दिया हुआ है, ऊपर जाके दिखाती हूँ मैं आपको। ये यहाँ से स्टेयर्स हैं और ये इस तरह से पार्क भी बना हुआ है छोटा सा। ये देखिए, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कॉटेज बने हुए हैं। देख पा रहे हैं आप इस तरह से पार्क बना हुआ है पूरा, काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये होटल। अगर आप भी शिमला आते हैं तो आप ये विज़िट करना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। आप यहाँ रहना चाहें तो आप भी ये होटल बुक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर बना हुआ है। बाकी यहाँ मंकीज़ बहुत आते हैं। सो विंडो उन्होंने बंद करने के लिए बोला था होटल स्टाफ ने, बिकॉज़ यहाँ मंकी कभी भी आ जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसका व्यू जो है। ये यहाँ से देखिए, ये इस पे बना हुआ है इस तरह से और यहाँ से पूरी हिल्स दिखाई देती हैं। ये टेरेस है और ये देखिए पूरा यहाँ से हिल्स दिखती हैं शिमला की। देखिए कितना प्यारा व्यू है इसका। और इस साइड से होटल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें सभी रूम्स में बालकनी दी हुई हैं जिससे कि हम व्यू जो है वो बहुत अच्छे से देख सकें। सो अभी हम निकले हैं घूमने और ये है मशोबरा और यहाँ हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। सो ये था एक होटल और इससे भी व्यू बहुत अच्छा था। सो मैंने ये रिकॉर्ड किया, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। ये देखिए पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये है एक टेंपल, ये देवी जी का टेंपल है मशोबरा में। ये एक्चुअली बंद था बिकॉज़ दिन के टाइम में हम लोग यहाँ गए थे,
जो हमने सिर्फ बाहर से ही देखा, बाकी बहुत सुंदर बना हुआ था। और ये है कुफरी। कुफरी में ये एक एडवेंचर रिसॉर्ट है और इसमें काफ़ी सारे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। सो हमने कोई भी इंडोर एक्टिविटी नहीं की क्योंकि बिकॉज़ बेबी था छोटा। और फिर हमने कुछ फ़ोटोशूट किया शिमला की इस तरह से ड्रेसेस में। बर्फ़ अभी नहीं थी बिल्कुल भी, बिकॉज़ अभी ये टाइम पे बर्फ़ नहीं होती है। और आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। सो मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखिए ये है हॉस्पिटल। एक्चुअली देखिए किस तरह का हॉस्पिटल बना हुआ है, मतलब इतना प्यारा हॉस्पिटल मैंने तो कहीं नहीं देखा। सो बहुत ही सुंदर बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई होटल है बट वो हॉस्पिटल था। और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड और उससे पहले आता है लक्कड़ बाज़ार। सो ये है लक्कड़ बाज़ार। यहाँ पे जूस शॉप थी तो हमने सोचा चलो जूस पीते हैं। सो थोड़ी देर रुके हैं बिकॉज़ धूप काफ़ी है। इस तरह से स्ट्रीट दिखाई देती है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही अलग लगता है यहाँ पे, इस तरह से पूरी ये स्ट्रीट है। लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको लकड़ी की मिल जाती हैं। और ये है मॉल रोड। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से दिखता है व्यू। एक्चुअली ये मॉल रोड से पहले का प्लेस है। ये जो वो चर्च है, ये चर्च आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से भी पूरा शिमला दिखाई दे रहा है। मुझे उस प्लेस का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको मेंशन कर दूँगी। सो ये अब हम जा रहे हैं जाकू टेंपल, और आपको दिख रहे होंगे हनुमान जी ऊपर। वो बहुत ही हाइट पे टेंपल है, जाकू टेंपल जो है। तो पहले हमें कुछ टाइम पैदल चलना था, उसके बाद हमें कैब मिलेगी। तो हम जा रहे हैं ऊपर पैदल चल के, फिर वहाँ से हमने कैब की थी तो हम उसके थ्रू ऊपर जाएंगे। बाकी बहुत ही हाइट पे है और ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ है। काफ़ी सुंदर टेंपल है हनुमान जी का, बहुत बड़ी मूर्ति है। मैं दिखाती हूँ आपको, और छोटा सा पार्क भी बना हुआ है यहाँ पे। आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे हनुमान जी। और ये देखिए ये इस तरह से पार्क बना हुआ है यहाँ पे, और ये है हनुमान जी। अगर कोई भी शिमला आता है तो ज़रूर जाता है यहाँ पे जाकू टेंपल, तो हमने भी सोचा कि हम भी देख के आते हैं। सो हम भी यहाँ आए हैं। काफ़ी अच्छा टेंपल है, अगर आप भी कभी आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। और यहाँ से देखिए व्यू इस तरह से है। और अब हम जा रहे हैं मॉल रोड। ये एक्चुअली पूरा मॉल रोड ही है, इस तरह से शॉप्स हैं यहाँ पे, सारे ब्रांड के शोरूम हैं। और नाइट में कुछ इस तरह का व्यू होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे नाइट में काफ़ी सारे लोग होते हैं, बहुत रश होता है। बहुत ही प्यारा लग रहा था नाइट में यहाँ पे, तो हम लोग कुछ देर यहीं बैठे थे। Thank you.
अंदर से कैसा लग रहा है, बाहर से तो मैंने आपको दिखाया है, अंदर से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये रिसेप्शन है, प्यारा बना हुआ है। इसके बाद में दिखाती हूँ रूम, चलते हैं। सो यहाँ से हमें जाना है, कि ये है रूम। इधर हमें इस तरह से कवर दिया हुआ है, रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशियस हैं। सो आप देख सकते हैं ये है रूम। ये इन्होंने फ्रिज दिया हुआ है, इस तरह से वॉशरूम है, और वॉशरूम में दिया हुआ है इन्होंने बाथटब। लाइट्स नजर आ रहे हैं, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट काफी अच्छा होटल है। और ये बहुत ही प्यारा गार्डन लग रहा है, यहाँ बहुत सारे रोजेस हैं अलग अलग कलर्स के। हमने यहाँ भी फोटोशूट वगैरह कराया था थोड़ा सा।
करो, गोदी में उठा लो क्या इसको? हाँ काफी बड़ा भी बना हुआ है, ये भी देखा खेलते रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है ये भी, आप विजिट कर सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ आए तो, आप जरूर आइएगा, आप देख सकते हैं।